मित्रों, महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों में भीम और दुर्योधन का युद्ध हुआ। भीम के प्रहारों से दुर्योधन घायल हो गया था। मित्रों, पराजित होने के बाद दुर्योधन उठ भी नहीं पा रहा था। उस समय उसने तीन उंगलियां दिखाकर कुछ बोलने की कोशिश की। जानते हैं क्या कहा उसने? दुर्योधन की हालत बड़ी खराब हो गई थी, इस कारण ठीक से वो बोल भी नहीं पा रहा था। ये देखकर योगेश्वर श्री कृष्ण उसके पास गए। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा कि उसने तीन बड़ी गलतियां की, जिसकी वजह से वो युद्ध में हार गया। दुर्योधन ने श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने पहली गलती तो ये की कि स्वयं नारायण यानी आपको नहीं बल्कि आपकी नारायणी सेना को चुना। इसके बाद दुर्योधन ने दूसरी गलती बताई कि जब उसे माता गांधारी ने नग्न अवस्था में बुलाया था तो वो कमर के नीचे पत्ते लपेट कर चला गया। यदि नग्न अवस्था में जाता तो पूरा शरीर वज्र के समान हो जाता और उसे कोई पराजित नहीं कर पाता। अंत में दुर्योधन ने बताया कि उसकी तीसरी गलती ये थी कि वो युद्ध में सबसे अंत में आगे आया। अगर वो युद्ध की शुरुआत में ही आगे आ जाता तो कौरव वंश का नाश होने से बच सकता था। दुर्योधन की ये सारी बातें सुनने के बाद प्रभु श्री कृष्ण ने उससे कहा कि तुम्हारी हार की सबसे बड़ी वजह है तुम्हारा अधर्मी आचरण। दुर्योधन, तुमने भरी सभा में कुलवधु द्रौपदी के वस्त्रों का हरण किया। ये काम तुम्हारे विनाश के कारणों में से एक है। तुमने कई ऐसे अधर्म किए हैं जो तुम्हारी पराजय का मुख्य कारण बने हैं। मित्रों, महाभारत की सीख यही है कि हमें हर हाल में अधर्म से बचना चाहिए, हमेशा स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं तो हर्ष दुर्योधन जैसा ही होता है, कौरव वंश के जैसा ही होता है। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।